हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गांव में प्रशासन ने लगाया फॉलो प्रशासन शिविर का हुआ आयोजन। कलेक्टर ने शिविर का आकस्मिक निरीक्षण कर गांव की समस्या के बारे में ली जानकारी। साणेरा सरपंच डाकू देवी की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में इस दौरान शिविर प्रभारी ने लाभार्थी ग्रामीणों को स्वीकृत पत्र व प्रमाण पत्रों का वितरण कलेक्टर नरमित मेहता के हाथों करवाया। विकास अधिकारी जब्बर सिंह सोनीगरा ने बताया कि शिविर में आवेदकों को आवासीय पट्टे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन पत्रावली व नवीन आवास स्वीकृत के लिए आवेदन किए गए। जीवन ज्योति बीमा आयोजन, नवीन जॉब कार्ड, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के आवेदन किए गए। इस दौरान आरआई पटवारी द्वारा खेतों के खातों में शुद्धिकरण किया गया। शिविर में विकास तहसीलदार, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा, आयुर्वेद, सिंचाई विभाग, कृषि अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। ग्रामीणों ने सफाई व्यवस्था को लेकर की शिकायतें। शिविर के दौरान ग्रामीणों ने गाँव की साफ सफाई, नालियों की सफाई के लिए जोरदार मांग की। सफाई कर कचरा उचित स्थान न डालकर जगह जगह बिखेरने से खुलेआम बीमारियों को न्योता दे रही है। वहीं गांव के क्षतिग्रस्त सड़कें होने के कारण जगह जगह खड्डे पड़े हैं, जिससे ग्रामीण चोटिल हो रहे हैं। रामा विद्यालय के संस्था प्रधान ने विद्यालय का पट्टा एवं खेल मैदान का पट्टा एवं चारों दीवारों की तारबंदी के लिए मांग की गई। साणेराव ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में साणेराव ने एक भी ग्रामीण को पट्टा नहीं मिला है और न ही गंभीर समस्या का समाधान हुआ। इसके बारे में जानकारी लेने पर अधिकारियों ने बताया कि साणेराव ग्राम पंचायत का पूर्णतया चार्ज अभी तक नए पदेन सचिव को सुपुत्र नहीं किया गया है। सिंदरों व देवतरा ग्राम पंचायत के ग्रामीण हुए लाभान्वित। इष्ट देवता से मांग करते हैं जल्दी बरसात हो। मेहता फॉलो प्रशासन शिविर के दौरान कलेक्टर नरमित मेहता ने कहा कि हम सभी इष्ट देवता से यही कामना करते हैं कि वो जल्दी मेहरबान होकर हमारी झोली भरे, जिससे हम पानी की समस्या से निजात मिल सके। वहीं कलेक्टर ने सरपंचों से समस्याओं के बारे में चर्चा की। जागरूक टीवी के लिए साणेराव से नटवर मेवाड़ा की रिपोर्ट।